हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट वन का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का नेचर क्या होता है? तो द नेचर ऑफ मार्केटिंग इज एज फॉलोज। फर्स्ट, हमारा नेचर क्या है? मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, जिसका मतलब आप लोग जान रहे हैं, ये मतलब ये क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मार्केटिंग को आप अलग नहीं कर सकते, प्रोडक्ट से मार्केटिंग को आप अलग नहीं कर सकते, बिजनेस से मार्केटिंग को आप अलग नहीं कर सकते। इंस्टीड ऑफ बींग अ सोल एक्टिविटी, मार्केटिंग इज अ कोहेसिव प्रोसेस ऑफ न्यूमरस अलाइड एक्टिविटीज। मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ एक सोल एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है, ये बहुत सारी अलाइड एक्टिविटी का क्या है, एक प्रोसेस है। द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें और बहुत सारी एक्टिविटीज का मिक्सचर होता है, जो कि ये इसको और फीचर्स से अलग बनाता है। इट कंप्राइजेज ऑफ फंक्शन रिलेटेड टू प्लानिंग एंड कंट्रोल। मार्केटिंग में क्या होता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी इन्वॉल्व होता है। मार्केटिंग ऑल्सो सर्व द सोशल नीड ऑफ सोसाइटी बाई सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर नीड्स एंड वॉन्ट। मार्केटिंग क्या करता है, एक तरीके की सोशल नीड सोसाइटी की क्या करता है, सेटिस्फाई करता है उनके नीड्स और वॉन्ट्स को पूरा करके। सेकेंड नेचर है हमारा, मार्केटिंग इज अ कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग फुल क्या होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, मतलब कस्टमर्स को ध्यान में रख के क्या होता है, मार्केटिंग प्रोसेस किया जाता है। कस्टमर इज अ सेंटर ऑफ फोकस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटी की जा रही है, उसके फोकस में किसको रख के किया जाता है, उस सेंटर में कस्टमर्स को रख के किया जाता है, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केटिंग इज टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द नीड एंड वॉन्ट्स ऑफ प्रेजेंट कस्टमर्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। जो मार्केटिंग की एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर्स के नीड्स एंड वॉन्ट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, वो चाहे प्रेजेंट कस्टमर हो चाहे फ्यूचर कस्टमर हो, जो बन सकते हैं आपके कस्टमर, ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है। थर्ड नेचर है हमारा, मार्केटिंग इज अ सिस्टम। ये एक तरीके का सिस्टम है। मार्केटिंग फंक्शन एज अ सिस्टम इन विच सेवरल सब सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। मार्केटिंग फंक्शन क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे सब सिस्टम, मतलब और भी बहुत सारी एक्टिविटी क्या है, इसमें इन्वॉल्व हैं। इन मार्केटिंग सोसाइटी एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इनपुट एंड दीज इनपुट्स आर प्रोसेस्ड इनटू आउटपुट्स। क्या है, सोसाइटी में मार्केटिंग को एक तरीके से इनपुट की तरह रखा जाता है, कि मार्केटिंग आप क्या कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो, और मार्केटिंग करने के बाद क्या होगा, आपके पास कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है, विच आर फर्दर प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी। जिसको जो आपको मतलब जो रिजल्ट मिला कि उनकी चाहत क्या है, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, उसको आप लोग क्या करोगे, उस तरीके से मोल्ड करके वापस से सोसाइटी को प्रोवाइड कराओगे। मार्केटिंग इज अ क्रिएटिव, ये ऑफकोर्स सी बात है क्रिएटिव होता है। टाइम प्लेस एंड पोजिशन यूटिलिटीज आर क्रिएटेड बाय मार्केटिंग। द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी इज डन बाय कंजर्विंग प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर यूज। इसमें क्या होता है, टाइम प्लेस और पोजिशन, मतलब जगह किसके पास अथॉरिटी है और किस टाइम पे देना है, ये सब क्या करता है, मार्केटिंग डिसाइड करता है। और इससे क्या होता है, टाइम यूटिलिटी होता है कि आप क्या करो, प्रोडक्ट्स को बचा के फ्यूचर के लिए रख सको, फ्यूचर यूज के लिए रख सको। मतलब बेसिकली इसमें क्या है, ये एक तरीके की ऐसी क्रिएटिविटी है जिसमें क्या करता है, मार्केटिंग पता करता है कि आपको राइट प्रोडक्ट राइट टाइम राइट प्लेस राइट पोजिशन के पास कब पहुंचाना है, ठीक है, अगर उसका टाइम नहीं है तो आप उसको फ्यूचर के लिए रख सको बचा के। नेक्स्ट नेचर है हमारा, बाय डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू प्लेस वेयर दे आर जेन्युइनली रिक्वायर्ड, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, आप उनको वहां पे दे सको अपने प्रोडक्ट को, जहां पे उसकी जेन्युइनली मतलब उसका रियल में क्या हो, रिक्वायर्ड हो। क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, इसमें क्या है, पहला टाइम यूटिलिटी हो गया कि आप उस प्लेस यूटिलिटी, वाइल पोजेशन यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। टाइम हो गया कि आप उसको सही टाइम पे पहुंचाओ, प्लेस हो गया कि जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे पहुंचाओ, और पोजेशन यूटिलिटी क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाओ और सही कंज्यूमर तक पहुंचाओ। However, in all these marketing activity, the most important factor is the exchange process between buyer and seller.
इन सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज में मेन फैक्टर क्या होता है कि जो गुड्स का सेल और परचेज हो रहा है, बायर और सेलर के बीच में जो एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है, वो क्या होता है, हमारा मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट नेचर है हमारा, मार्केटिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये गोल ओरिएंटेड है, आपके पास कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ गोल प्री डिफाइंड होता है, उसकी वजह से आप मार्केटिंग करते हो, ठीक है। द गोल ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट। इट प्रोवाइड बेनिफिट्स टू बोथ, दैट इज बायर एंड सेलर। दे शेयर म्यूचुअल बेनिफिट्स बाय फुलफिलिंग द कंज्यूमर्स नीड्स एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम कंज्यूमर थ्रू सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। गोल ओरिएंटेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर्स और सेलर्स दोनों को प्रॉफिट होता है, बायर एंड सेलर को। सेलर को क्या प्रॉफिट होता है, कि उसको प्रॉफिट मिल जाता है, और बायर को क्या प्रॉफिट होता है, कि उनको क्या होता है, उनका सेटिस्फाई वांट जो है उनका सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। थर्ड है हमारा, मार्केटिंग इज अ यूनिवर्सल। ऑफ कोर्स ही बात है, मार्केटिंग को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है मार्केटिंग यहीं अप्लाई होगा, मार्केटिंग सिर्फ यहीं अप्लाई होगा, आप मार्केटिंग को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ये यूनिवर्सल होता है। मार्केटिंग इज नॉट लिमिटेड टू बिजनेस एक्टिविटी, मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी तक लिमिटेड नहीं है। इट प्लेज अ की रोल इन अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ये और भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इन सोशल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग इज यूज टू प्रमोट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स सच एज अडल्ट एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, पब्लिक हार्मनी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, नेशनल इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। सोशल और अदर ऑर्गेनाइजेशन में ये कैसे वर्क करता है, अपने प्रोग्राम्स को प्रमोट करता है, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करता है, पब्लिक हार्मोनी बनी रहे उसको प्रमोट करता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है, नेशनल इंटीग्रेशन में मदद करता है। दिस फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इज नोन एज सोशल मार्केटिंग, और इस टाइप के मार्केटिंग को हम लोग कौन सी मार्केटिंग बोलते हैं, सोशल मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है हमारा, सेवेंथ वन इज मार्केटिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ठीक है। हमने मार्केटिंग क्रिएटिव है वो तो देखा, लेकिन ये एज अ साइंस भी है, क्योंकि इसमें कुछ गिवन रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। मार्केटिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, ठीक है। मार्केटिंग क्या है, जो सोशल या बिहेवियरल साइंस होता है उससे रिलेटेड होता है, इट हैज, ठीक है। तो ये बिहेवियरल साइंस है बहुत, थ्रू इट हैज डेवलप्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स, क्योंकि मार्केटिंग इकोनॉमिक्स से इवॉल्व हुआ है। इट इंक्लूड्स वेरियस सब्जेक्ट एरियाज लाइक साइकोलॉजी, इकोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, सोशियोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, इसलिए इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट एरिया को कवर किया गया है, ठीक है। द मार्केटिंग कंडीशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टारगेट मार्केट सच एज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, फिलोसफी, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो मार्केटिंग कंडीशन होती है वो क्या होता है, बहुत फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, जैसे कि उस फिलॉसफी क्या है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, बहुत कुछ, ठीक है। एट्थ हमारा क्या है, मार्केटिंग इज एन एक्सचेंज एक्टिविटी। मार्केटिंग में ऑफकोर्स ये बात है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज ही तो होते हैं बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। मार्केटिंग इज एन ऑन गोइंग एंड डायनेमिक प्रैक्टिस, देयरफॉर इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, आइडिया, सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन। इसमें बहुत सारी चीजें एक्सचेंज होती है, टेक्नोलॉजी हो रहा है, आइडिया हो रहा है, सर्विसेज हो रही है, इन्फॉर्मेशन हो रहा है। दिस कमर्शियल एक्सचेंज एक्टिविटी हेल्प्स द मार्केटर्स टू प्रोड्यूस बेटर एंड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर द कस्टमर्स। ये क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन हेल्प कैसे करती है, कमर्शियल एक्सचेंज हेल्प कैसे करता है, ताकि जो प्रोड्यूसर्स है वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, और उन कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा, मार्केटिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था, मार्केटिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये एक बहुत ज्यादा क्या है, फंक्शनल एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का। इट इनकम्पासेस कंटिन्यूअस प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसमें क्या होता है, आपको कंटिन्यूअस प्लानिंग की जरूरत होती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होती है, और इसके कंट्रोल की जरूरत होती है। दिस इट इज अ कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स, कॉन्टिन्यूअस एंड इंटर रिलेटेड प्रोसेस। इसीलिए हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, और इंटर रिलेटेड प्रोसेस भी बोलते हैं।
नेक्स्ट वाला है हमारा सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट. इसमें क्या करते हैं, हमें हमारा टारगेट मार्केट क्या है, क्योंकि हमारा मार्केट बहुत बड़ा होता है, हम हर मार्केट से डील नहीं कर सकते या ओवरऑल मार्केट से डील नहीं कर सकते. आपका प्रोडक्ट किस मार्केट के लिए बना है या कहाँ पे उसका सेल हो सकता है, आपको उस मार्केट का सिलेक्शन भी क्या होता है, मार्केटिंग प्रोसेस में ही आता है. इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर अ मार्केटर टू सेटिस्फाई वन एंड ऑल इन द मार्केट. ठीक है, मार्केटर के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो सारे मार्केट को कवर कर ले. इंस्टीड ऑफ मेकिंग एन अनरियलिस्टिक अटेम्प्ट, ठीक है, बहुत अनरियलिस्टिक अटेम्प्ट होगा. अ मार्केटर हैज टू सेलेक्ट टारगेट मार्केट, देयर फॉर मार्केटिंग इनेबल्स मार्केट टू स्टार्ट विद द मार्केट सेगमेंटेशन चूजिंग अ टारगेट मार्केट. इसीलिए क्या होता है, मार्केटर क्या होते हैं, वो पहले मार्केट को सेगमेंट करते हैं अलग अलग में, फिर अपना टारगेट मार्केट चूज करते हैं. आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वॉन्ट ऑफ द टारगेट मार्केट, जो उनका टारगेट मार्केट होता है उसके कस्टमर्स के नीड एंड वॉन्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं. एंड सेटिस्फाई दीज नीड्स मोर इफेक्टिवली देन द कम्पिटिटर्स यूजिंग रिलेवेंट मार्केटिंग मिक्स. ठीक है, मार्केटिंग मिक्स आप लोग जान रहे हैं, 7 P's होता है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने टारगेट मार्केट के वॉन्ट्स एंड नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. क्या करके, इफेक्टिवली. ठीक है, इफेक्टिवली उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं और अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा. ठीक है, किस चीज़ को यूज़ करके, मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करके. तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू.